यह नाश्ता खाने में जितना टेस्टी और चटपटा है उससे कहीं ज़्यादा पौष्टिक भी है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ सहजन के पत्ते का बहुत ही चटपटा नाश्ता। मोरिंगा के पत्तों को पौष्टिक गुणों का खजाना कहा जाता है। बिना तेल से बना हुआ यह नाश्ता आप सिर्फ 10 मिनट में बनाकर खा सकते हैं। इसे बनाना जितना आसान है, खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी और पौष्टिक भी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यह अमेजिंग सी रेसिपी। फ्रेंड्स, आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिए। नाश्ता बनाने के लिए यह मैंने मोरिंगा के पत्ते लिए हैं। ये इस तरह के होते हैं और इसमें पतले पतले डंठल होते हैं। तो सबसे पहले हम इसके सारे पत्ते अलग कर लेंगे और इसके डंठल हटा देते हैं। इसमें कुछ इस तरह के पीले पत्ते हैं, इसे निकाल देंगे और इसके हरे हरे और अच्छे पत्ते निकाल कर अलग कर लेते हैं। सहजन के फल जितने फायदेमंद होते हैं उससे कहीं ज्यादा इसके पत्ते और फूल भी फायदेमंद होते हैं। सहजन की पत्तियों में विटामिन ए, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, सोडियम जैसे कई तत्व पाए जाते हैं। सहजन की पत्तियों का पानी पीने से ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है। अब यहाँ पर मैंने सारे पत्ते निकाल कर अलग कर लिए हैं, तो बस अब इसे काट लेते हैं। इसे काटने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि बहुत छोटा छोटा रहता है, लेकिन फिर भी ये आसानी से कट जाता है। इसे इस तरह से काटे तो भी ये आसानी से कट जाएगा। तो अब इसी तरह से सारे पत्ते काट लेते हैं, और ये देखिए इसे मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। सारे मोरिंगा के पत्ते कट गए हैं, तो बस अब इसे 2-3 बार अच्छे से धोकर साफ कर लेते हैं जिससे इसमें जो भी गंदगी हो निकल जाए। अब यहाँ पर मैंने 3 हरा मिर्च लिया है, 1 इंच अदरक के टुकड़े को छोटे छोटे पीस में काट लिए हैं, 4-5 कलिए लहसुन का लिया है। इसे खलबट्टे में डालकर दरदरा कूट लेंगे। सहजन के पत्ते को अच्छे से धोकर साफ कर लिया है, तो अब इसमें डालेंगे 1/2 कप बेसन। 1/2 कप बेसन मैंने और लिया है, लेकिन इसे बाद में यूज करेंगे जब जरूरत पड़े तो। 1 बड़े साइज के प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है, इसे डाल देते हैं। अदरक, हरी मिर्च और लहसुन को मैंने दरदरा कूट लिया है, अब इसे डाल देते हैं। इस तरह से इसे कूट कर डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे और इसी के साथ 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर डाल देते हैं, 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लें। 1/4 चम्मच अजवाइन डालेंगे, इसे मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है। 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे। अब इसमें डालेंगे सबसे ज़रूरी चीज़, 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर डालेंगे। सहजन के पत्तियों में थोड़ा बहुत कड़वाहट रहता है, थोड़ा सा खट्टा डाल देने से इसका कड़वाहट कम हो जाता है। आप इसमें चाट मसाला, दही या फिर नींबू का जूस भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा खट्टा इसमें ज़रूर डालिएगा। जो मैंने 1/2 कप बेसन रखा था इसे भी डाल देते हैं, थोड़ा सा इसमें से बचा लेते हैं। इसमें 1 कप या फिर उससे ज़्यादा भी बेसन लग सकता है, जितना आपका सहजन का पत्ता रहेगा उसी अनुसार इसमें बेसन भी लगेगा। बस इतना ही बेसन डालना है जिससे इसकी अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाए। पहले इसे ड्राई ही अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जो थोड़ा सा बेसन बचा हुआ था इसे भी इसी में डाल देते हैं, यानी टोटल मैंने इसमें 1 कप बेसन यूज किया है। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अब इसमें डाल देते हैं 1/4 चम्मच से भी कम यानी 2 चुटकी बेकिंग सोडा यानी खाने वाला मीठा सोडा, और इसे एक्टिवेट करने के लिए इसमें 1 चम्मच पानी डालेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगाएंगे, जिस तरह हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं उससे भी इसे ढीला ही रखना है। आप इसे बिना बेकिंग सोडा के भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देने से ये अच्छे से फूल जाता है। अब आटा रेडी हो गया है, और ये देखिए इस तरह से बांधने से ये आसानी से बन जा रहा है, बिल्कुल इसी तरह का आटा होना चाहिए। अब हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसके 2 पार्ट कर लेंगे। अब इसे इस तरह से लंबा करके एक मोटा सा और बड़ा सा लोई बना लेंगे। दोनों किनारों पर इसे हल्का हल्का दबा देते हैं, और ये देखिए अब ये बनकर रेडी हो गया है। तो अब इसे इसी तरह से रख देते हैं, और जो आधा आटा बचा है उसका भी सेम टाइप से एक और बना लेते हैं, और अब ये भी बनकर रेडी हो गया है। अभी हमारी 2 लोइयां बनकर तैयार हैं, तो इसे रख देते हैं। अब यहाँ पर पैन में मैंने पहले से ही 2 से 2.5 गिलास पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। अब पानी अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब हम एक इस तरह का कटोरी लेंगे और इसे इस तरह से उल्टा करके इसमें डाल देंगे। आप इसमें स्टैंड भी रख सकते हैं। दोनों लोइयों को मैंने एक छन्नी में रख दिया है, तो अब इसी कटोरी के ऊपर ये छन्नी रख देंगे और इसे ढककर 10 मिनट तक छोड़ देंगे। गैस को मीडियम फ्लेम पर रखेंगे, 10 मिनट में ये अच्छे से पक जाएगा। तो अब इसे इसी तरह 10 मिनट छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर इसे मैंने 10 मिनट के करीब कुक कर लिया है,
तो अब इसे खोल कर चेक कर लेते हैं। इसके लिए एक नाइफ लेंगे और इसमें इस तरह से डालकर चेक कर लेंगे। ये देखिए नाइफ बिल्कुल क्लीन है, यानी अच्छे से पक गया है। ये देखिए इसमें जरा सा भी नहीं लग रहा है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इसे मैंने 10 मिनट रख दिया था, अब ये अच्छे से ठंडा हो गया है। तो बस अब इसे कट कर लेते हैं। इसके लिए हम नाइफ लेंगे और इसे आधे आधे इंच की दूरी पर काट लेंगे और इसे थोड़ा मोटा मोटा पीस बना लेंगे। आप इसे मोटा पतला जैसे चाहें कट कर लें। अब ये कट गया है तो इसे रख देते हैं और सेम टाइप से दूसरा भी काट लेते हैं। सबसे पहले इसे कॉर्नर निकाल देंगे और इसे आधे आधे इंच की दूरी पर काट लेते हैं। अब हमारा इतना नाश्ता बनकर रेडी हो गया है। आप चाहें तो इसे ऐसे ही खा सकते हैं या फिर इसे फ्राई करके भी खा सकते हैं। ऐसे भी खाने में ये बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन इसे थोड़ा और चटपटा करने के लिए इसे हम फ्राई कर लेते हैं। अब गैस पर पैन रखेंगे और इसमें एक चम्मच ऑयल डालेंगे। तेल गर्म हो गया है तो अब इसमें 1/4 चम्मच जीरा डालेंगे और इसी के साथ 1/2 टीस्पून पीली वाली सरसों लिया है इसे डाल देते हैं। और ये मैंने लिया है एक चम्मच मूंग का दाल इसे डाल देते हैं। इसे डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसे थोड़ा सा चला देते हैं। एक चुटकी नमक डाल देते हैं। दो हरी मिर्च को मैंने बीच से चीरकर इस तरह से लंबा लंबा काट लिया है इसे डाल देते हैं। इसे थोड़ा सा चला देते हैं जिससे हरा मिर्च पक जाए। अब इसमें 1/4 चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर डालेंगे और 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इससे नाश्ता का कलर अच्छा आएगा। अब इसे मिक्स करेंगे और इसमें एक एक पीस डालते जाएंगे। इसमें मैंने सारे पीसेस डाल दिए हैं। अब इसे चला देंगे और इसे उलट पलट के 2-3 मिनट तक इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। इस समय गैस को मीडियम फ्लेम पर रखें और इसे बराबर चलाते रहें जिससे जलने ना पाए। इसे मैंने 3-4 मिनट तक कुक कर लिया है। अब गार्निशिंग के लिए इसमें थोड़ा सा नारियल का बुरादा डाल देते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब गैस बंद कर देंगे और इसे हम निकाल लेते हैं। अब मोरिंगा के पत्ते का गर्मा गर्म नाश्ता सर्व के लिए रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी और चटपटा बना है और आप इसे बिना ऑयल के भी बनाकर खा सकते हैं और ऑयल में इसे फ्राई करके भी खा सकते हैं। आप इसे टोमेटो सॉस, चिली सॉस, हरी धनिया की चटनी किसी के भी साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। और आप तो जानते ही हैं कि मोरिंगा का पत्ता कितना पौष्टिक होता है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें और देखिए इसका टेस्ट कितना अच्छा लगता है। आप इसे बनाकर खाएं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने इसे कैसे बनाया और ये नाश्ता आपको खाने में कैसा लगा। अब मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए ये कितना क्रिस्पी और अंदर से कितना सॉफ्ट बना है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाकर खाएं, ये बहुत ही टेस्टी बना है। अगर वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।